8-4 गाड़ी का नंबर है ये। आप देखो क्या जीवानी कह रही है, ये सब काम तो होना ही था, तू नहीं करवाता तो एक समर्थ आचार्य हुए जिनका नाम था आचार्य अमृतचंद्र। क्या नाम था? अमृतचंद्र। 2000 साल पहले कुंकुन आचार्य हुए और उनके ग्रंथों पर दानम जिनके तन में चुभता, आवाज नहीं आ रही, सारे सौ का और काया की सुध छोड़ी, काया की सुध छोड़ी, कीतर तन खाते देखे काया की सुध, कीतर तन खाते देखे कौन से लड़ते देखे कौन से मोक्ष के भव थे मोक्ष गामी ऐसे पर सोने वाले भूमि पर पड़ते
होती है, तो ऐसे मुनिराजों को भी हमें याद करना चाहिए। बोली परम दिगंबर वीतरागी मुनिराजों की, धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे। सभी बोले धन्य मुनिराज। करूंगा।
कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, उसे कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने श्रद्धा से न पुकारा, हमने श्रद्धा से न पुकारा, तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। क्षमा क्षमा सब ही कहें, क्षमा न जाने को, क्षमा 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 न जाने को, क्षमा स्वभावी के बिना क्षमा कहाँ से हो, क्षमा स्वभावी के वाणी को भी नहीं सुधारा, वाणी को भी नहीं सुधारा, तो कैसे कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे रतुकाली, रतनते काले लो सहारा, रतनते काले लो सहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे, कैसे आएंगे भगवान, हम भी बनेंगे तब भगवान, कैसे आएंगे भगवान, हम भी बनेंगे। बोले तो आसान जी मानी हम नारे हैं, देख सिद्धों के ज्ञान को, आप भी आनंद ले सकते हैं। हम नारे हैं, देख सिद्धों के ज्ञान को, जिन वाणी को रखना अरे भव्यों संभाल के। बोली शांतिनाथ भगवान की, ना द्वेषी बनूंगा भगवान की संतान, भगवान बनूंगा ना रागी बनूंगा, ना मैं द्वेषी बनूंगा भगवान की संतान, भगवान बनूंगा। देना हो तो दीजिए टाइम लेके बैठा।
थोड़ा गा से बोलना। सामने बिठा दो सामने। नहीं, कैसे बोल सकते हो? हाँ, ठीक है। ओके, 10 सेकंड हो गए, 0 कर देंगे। हैं? बोलिए बोलिए। अच्छा बोलिए बोलिए। महावीर की बूंगा मती मेरी हार। बोले तो तुमने? पूरा। 0 कर देंगे। हाँ जी। चलिए साहब, इनका हो गया। अब आपका नंबर लिया जाता है। एक बार समय सार, समय सार महारंग, समय सार यस। भाई साहब टाइम देखिए। चेतन ने महावीर स्वामी नयन परिणामी भव तुमे। 0। हाँ जी, अगला शब्द दिया जा रहा है, माइक ले लीजिए। सारे जहां से अच्छा जिन धर्म है हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम भी बनेंगे भगवन, संकल्प है हमारा हमारा सारे। नंबर किसका था? नंबर नंबर किसका था? अच्छा आ रहा। रोम रोम से भी बोलने बोला मंगल आरती चलिए देखिए, आप ही बता दीजिए गलत है ना। ठीक है, गलत है। ये विधि मंगल आरती। स्कोर हमारे भाई साहब बताने जा रहे हैं, पर नाम बता दो। और स्कोर के लिए हमारे एक बार जोरदार तालियां, जो स्कोर बता रहे हैं हमारे। पहले राउंड के बाद सम्यक दर्शन टीम के 4 अंक, सम्यक ज्ञान के 5 अंक और सम्यक चरित्र के 4 अंक। उड़ी नमो कार महामंत्र की। नमो कार, नमो कार महामंत्र, नमो कार, नमो कार, नमो कार महामंत्र, नमो कार। ओ अशुभ भाव से वो बच जावे जो जप ले 9 बार। नमो कार, नमो कार महामंत्र, नमो कार, नमो कार। हनु सुग्रीव सुडी गवे गवाखनी महानी कोई मिया
आपको दो मंगती आवाज ही आ रही बच्चों की तरफ, प्लीज थोड़ा सा शांत रखिए बच्चों को, जैसे आनंद नहीं आएगा। और मैं पंडित जी से निवेदन करूंगा, पंडित जी जो ये पंक्ति बोलेंगे बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, जोरदार ताली इनके लिए। ये क्या था? निर्वाण काम, बहुत सुंदर, कठिन तो नहीं है। चलिए दूसरी पर्ची, अब दूसरी लाइए सब बेटा, बच्चे यहीं आ जाओ, एक यहीं बैठ जाओ, कुर्सी लेके बैठ जाओ, एक 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 जना बैठ जाओ, बैठ जाओ। चलिए सब में क्या लेंगे, पर्ची आ रही है, पंडित जी पेज नंबर 88 पेज नंबर 145 कैलाश श्री समवेत श्री निर्नार भोजो सदा चंपापुरी पावापुरी मुनि और तीरथ शर्मदा थोड़ा बोल्ड होना पड़ेगा। अब सम्यक दर्शन के लिए पर्ची बेटा निकाल दो, पर्ची अभी तो 15 हो गए ना, उनके लिए अन्याय हो जाएगा, एक हुआ है ना, अब दूसरा चल रहा है, बस एक और चलेगा। चलिए साहब सम्यक दर्शन के लिए पर्ची निकली है 124 पंडित जी, अष्ट कर्म में एक लोये दुष्ट महादुख दे हो, कब हूँ इतरी बोल में पटकत ये जयमाला है, जयमाला मैंने क्या कहा था, कोई जयमाला से बोलूंगा या अष्टक से बोलूंगा या स्तुति से बोलूंगा उसकी आपको जो पंक्ति बोलनी है, जयमाला तो बोलिए, मैंने और क्या बोला है, जयमाला ही बोलनी है। चलिए क्या करना पड़ेगी, आदिनाथ पूजन से, चलिए ठीक है पंडित जी का आदेश है, पूजन आदिनाथ की है तो आपका पास कर देंगे, ठीक है जी। चलिए दो तालियां, चलिए समय ज्ञान के लिए भैया माइक ठीक दे सकते दूसरा, समय ज्ञान पेज नंबर 158 सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को डाल सकेगा क्या, अश्वरण मृतकाया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा, ठीक है ना, अंतर मन है ना, हाँ जी बोलो ठीक है। पेज नंबर 130 प्रभु आपने सर्व के बंद तोड़े विधान प्रचु में तीनों नाम तोड़े, पढ़ो अम्बु के बीच श्री पाल राय तुम्ही मां सहाई भला और नाही, तुम्ही वहां सहाई भला और नाही, जल पलाही वस्त्र के सवारे आई चढ़ाए
गलत। दही सौठ की पकौड़ी खाने में कौन सा दोष लगता है? सही। किसके नमस्कार से शिव पिंडी फटी थी? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मध्य लोक में कितने अकृत्रिम चैतन्य हैं? चार सौ अठावन। ठीक है। सारे विश्व को कौन चलाता है? जवाब दो, ऐसे हिंदी में नहीं। ठीक है। तीर्थंकर जन्म पर प्रतिदिन कितने रत्न बरसते हैं? एक दिन में साढ़े बारह करोड़। गलत। राम के किस नाम से एक पुराण की रचना हुई? राम के किस नाम से पुराण की रचना हुई? बिल्कुल ठीक है। समय सा कोई बात नहीं, हम 10 मिनट पढ़ लेते हैं। आप देखना कितना टाइम हुआ, 10 प्रश्न पढ़ लेंगे। समय सार में समय का क्या अर्थ है? एक शब्द में आत्मा। बिल्कुल ठीक। जैन धर्म में कितने वेद हैं? जैन धर्म में कितने वेद हैं? एक भी नहीं। गलत। ज्ञाता दोनों दान संभारे, कौन से दोनों? ज्ञाता दोनों दान संभारे, कौन से दोनों? नहीं, नाम बताने, कौन से दोनों? ज्ञाता दोनों दान संभारे, कौन से दोनों? चलिए समझ पास हो गया। अब इसमें से ऑडियंस दान और एक व्यवहार दान, ये दो प्रकार के दान ज्ञाता जो होते हैं धर्म। मोक्ष। गलत। जम्बू द्वीप के विधेय में कितने तीर्थंकर सदा काल रहते हैं? चार। ठीक। मुनिराज के कितने आवश्यक होते हैं? चार। बिल्कुल ठीक। जोरदार तालियां इनके लिए। एक प्रश्न का जवाब नहीं आया था। सुमेरु पर्वत का दूसरा नाम कौन बताना चाहेंगे? हाँ जी, बच्चे बता रही है। सॉरी, सुमेरु पर्वत का दूसरा नाम। हाँ बिल्कुल ठीक है, बच्चे के लिए सुदर्शन। सुमेरु पर्वत का दूसरा नाम सुदर्शन मेरु। और क्या पास किया था आपने? हाँ, अमरूद का पेड़। अच्छा, हो गया था जी। दस लक्षण आत्मा के किस धर्म गुण के धर्म हैं? कौन बताएगा? दस लक्षण जो हैं, ये आत्मा के कौन से गुण के लक्षण हैं? हाँ जी, क्षमा के। नहीं, और कोई? चलिए पास। भामंडल में कितने भव दिखाई देते हैं? सात। बिल्कुल ठीक। गणधर भगवान कितने ज्ञान के धारी होते हैं? चार। बिल्कुल ठीक। केवल ज्ञान होने पर केवली भगवान आकाश में धरती से कितनी ऊपर तक चले जाते हैं? केवल ज्ञान होने पर केवली भगवान धरती से कितनी ऊपर हो जाते हैं? चौदह। राजू गलत। सम्यक दर्शन के कितने गुण होते हैं? माइक में बोलो, माइक में आपस में माइक में बोलो। आठ। ठीक है। मनुष्य गति में किस कषाय की मुख्यता है? मनुष्य गति में किस कषाय की मुख्यता है? माया। गलत। हनुमान जी शलाका पुरुषों में क्या थे? हनुमान जी शलाका पुरुषों में क्या थे? अब पास बोलोगे तो आगे बढ़ूंगा, नहीं तो फिर मैं इधर सोच करूंगा। पास। रावण का वध किसने किया था? लक्ष्मण। बिल्कुल ठीक। कोई भी जीव मरने के बाद सबसे पहले किस गति में जाता है? विग्रह गति में। बिल्कुल ठीक। 16 कारण पर्व वर्ष में कितनी बार आते हैं? 3 बार। बिल्कुल ठीक। उत्तम आर्जव किसका नाश करता है? बिल्कुल ठीक। चलिए साहब, जोड़ दीजिए क्वेश्चन। चलिए चौथा राउंड हमारा प्रारंभ हो रहा है।
तीसरे राउंड के बाद सम्यक दर्शन के हैं 11 अंक, सम्यक ज्ञान के हैं 13 अंक और सम्यक चरित्र के भी हैं 13 अंक। आया है संसार, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, कमल पर सोने वाले भूमि पर चलते देखे। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही है। सम्यक ज्ञान के लिए पर्ची निकली है दुख, बाल बाल बच गया। हाँ जी, सम्यक चरित्र की पर्ची निकली है, आपका शब्द है वही निकलने जो बतलाया था अज्ञान। समय, चलिए सब क्या शब्द आया है गृहस्थ, से निज में निज गुण प्रकट किए। आप भी आप इसका सुनते हैं, जोरदार तालियां इनके लिए, बहुत सुंदर। हमने बोला सरल और इन्होंने सही कर दिया सहज। चलिए सम्यक चरित्र के लिए पर्ची निकल रही है
जब नो नहीं सुख लहूं तब नो ए हो ये भावना समय हो चुका पंडित जी कहीं तुम ही सत पंडित हो नहीं आप बता रहे हो कन्फर्म बताओ क्या करना है गलत क्या है सही क्या है बताओ हमें हमने कहाँ गलत बोला है क्यों अबे मैं तो राग कुटे पूरा बोलो सब बोल लेते तो बोलो भगवान चलिए क्या करना है पंडित जी दोबारा बोला मेटो मेटो है ना मेटो मेटो वो तो हमें पता है कि बोला क्या है आपने माइक दिया इनको इन्होंने क्या बोला है वीतराग ठीक है पंडित जी आप सही बोले देखो पंडित जी क्या है आप सही बोला पहले अच्छा ईमानदारी से बताओ पहले क्या बोला था मंदिर में बैठे हो पहले क्या बोला था क्या बोला था पहले क्या बोला था बैठे हो चलो ठीक है ये कह रहे हैं ठीक है बैठे हो बोला था इन्होंने तो कोई बात नहीं चलो दूसरी पर्ची समय ज्ञान के लिए हाँ जी है लची नगरी नव मास अगार बने चहुंगो पुर शोभ अपार देखो माइक में तब बोलो जब आप कंफर्म हो जाओ ऐसे नहीं बोलना कंफर्म पहले डिस्कस कर लीजिए समय हो गया है क्या करना पड़ेगा उन्होंने सही बोला था उन्होंने सही बोला था आपने गलत बोला है ठीक है ना अब उनके हाथ में माइक था जिस समय उन्होंने सही बोला था रची नगरी षट मास अगार चलिए सही कर दीजिए नहीं बेटा एक पर्ची होगा चलिए समय चाहते के लिए अंतिम पर्ची इस राउंड की अंतिम पर्ची है सब छोड़ चले यह लोक अभी लोकांत विराजे क्षण में जा इसमें आपका तो हो गया और तो हाँ जी भूतकाल का एक नाम है राजा श्रेणिक उनका आपको आज बताना है कल बताना है अभी नरक में है और आगे जाकर तीर्थंकर प्रकृति का वर्णन जोरदार तालियां इनके लिए मैं ज्ञान
आपके लिए पर्ची निकली है, छठवें तीर्थंकर कुंथू कुमार। कुंथू कुमार, आप कुंथू नाम लिखेंगे, तीर्थंकर जो थे कुंथू कुमार, उनका आज और कल बताना है आपको, समय 15 सेकंड। तो वो तो सिद्ध हो चुके हैं, हमसे पूछे मत, आप बताइए क्या करना है। वो सिद्ध हो चुके हैं, वो सिद्ध हो चुके हैं, आगे भी कुछ होंगे ना, आगे भी कुछ होंगे, कुछ नहीं होंगे वो आगे, ऐसा समय बताइए। नहीं तो देखें कि बनने तो सिद्ध होंगे ही, और वो तो फिर कुछ बनेंगे हैं, और भविष्य में भी सिद्ध रहेंगे, ये कहना था आपको। नहीं हमें नहीं पता क्या कहना, पंडित जी बताएंगे। माइक आप उसको दीजिएगा जिसको जवाब आता है, ऐसा नहीं कि आधा वो बोल रहे हैं आधा वो बोल रहे हैं, इस बार मैं बिल्कुल कट कर दूंगा। आपका नाम आया है कुंभकर्ण। कुंभकर्ण सिद्ध हो चुके हैं और आगे भी सिद्ध हैं, बिल्कुल ठीक है इनका आंसर। चलिए आपको ऐसा ही बोलना है कि आज वो क्या है कल वो क्या होंगे। कृष्ण के भाई बलदेव, नहीं आज वो क्या है। अच्छा गलत, हाँ जी कौन बताएंगे। कृष्ण के भाई आज क्या है और कल क्या होंगे भाई साहब। लक्ष्मण, लक्ष्मण अभी नरक में है और आगे स्वर्ग, एक मोक्ष जाएंगे। बहुत सुंदर, बिल्कुल ठीक है इनका। हाँ जी आपके लिए पर्ची निकली है नकुल। अभी देव है समासती में और आगे फिर वो सिद्ध बनेंगे, आगे चल के तीर्थंकर बनेंगे। बहुत सुंदर, जोरदार जवाब इनका। अभी वर्तमान में नर गले लगाए हीरे को ठुकराए, तुझे हो गया है, तुझे हो गया है, वो पता नहीं। कंकड़ पत्थर गले लगाए हीरे को ठुकराए, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है, हीरे से तू, पत्थर से तू,